अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ रफीक भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक जॉब शेयर करने जा रहा हूँ। एक कंपनी है, उनको 24 बंदे चाहिए जद्दा में। तो ऐसे मेरे भाई जिनके पास इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है, उनको हेल्पर भी चाहिए और इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए। एक साल का प्रोजेक्ट है, जद्दा एयरपोर्ट पर काम है, एक साल का प्रोजेक्ट है। विदाउट नकल कफाला आप इनके साथ काम करेंगे। इनको 12 इलेक्ट्रीशियन चाहिए और 12 हेल्पर चाहिए। बहुत ही भाई वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि यार उनको जॉब चाहिए, इलेक्ट्रीशियन बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हैं, आपका महना जो है वो आमिल आदि होना चाहिए या बड़ा महना होना चाहिए। साय खास और आमिल मंजली वाले यानी छोटे महीने वाले भाई जो हैं वो ये जॉब हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस जॉब के लिए बड़ा महना चाहिए, क्योंकि आपने एक मेन कंपनी के साथ काम करना है। इनको 12 इलेक्ट्रीशियन चाहिए और 12 हेल्पर। अस्सलाम, ये रिहाइश भी प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको ये पिक एंड ड्रॉप भी देंगे, यानी आपको घर से पिक करके जहाँ इन्होंने आपको रिहाइश देनी है काम पे ले जाएंगे और फिर वापस उसी रिहाइश पे आपको ये ड्रॉप भी करेंगे। अच्छा, जो इलेक्ट्रीशियन है उनकी सैलरी है 3000 रियाल प्लस आपको 300 खाने का देंगे। खाने के आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। 300 खाने का और 3000 सैलरी यानी 3300 रियाल पैकेज पर मंथ आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और जो हेल्पर हैं उनके लिए 2500 रियाल सैलरी प्लस 300 फूड का, यानी 2800 रियाल आपको वो हेल्पर को पे करेंगे। ऐसे भाई जिनके इकामे पे बड़ा महीना है और बाहर काम नहीं है किसी के पास, तो एक साल तक आप इस कंपनी के साथ सैलरी पे काम कर सकते हैं। एक साल के बाद जो प्रोजेक्ट हैं अक्सर रिन्यू हो जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। एक साल आप इनके साथ काम कर सकते हैं, बाकी अगर आपका प्रोजेक्ट रिन्यू होता है तो उसके बाद आप मज़ीद इनके साथ कंटिन्यू कर सकेंगे। तो 24 बंदे चाहिए, मैंने नंबर दे दिया है, इस भाई से रब्ता कर लें, भाई व्हाट्सएप रब्ता कीजिएगा। और साय खास और आमिल मंजली वाले भाई प्लीज़ रब्ता ना करें, क्योंकि बकायदा उन्होंने कहा है कि साय खास और आमिल मंजली वाले जो हैं वो हमारी कंपनी में, उनके पास सक्सेस नहीं है इस जॉब के लिए, वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे। जिनके पास बड़ा महना आमिल आदि या कोई भी महना है और वो फ्री बैठा है बाहर, तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। एक साल का प्रोजेक्ट है, तो इंटरेस्टेड पीपल रब्ता कर लें। बाकी वीडियो के एंड पे मैं एक क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको मैंने फ़िलहाल हिडन कर दिया है, जो हरमैन शरीफैन के लिए थी। उस एजेंट ने मुझसे रब्ता किया था कि प्लीज़ मेरी वीडियो बना दें, मेरे पास वीज़े हैं और अगर आप भी वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आप वीज़े लगवा सकते हैं। 2-3 पासपोर्ट मैंने उसको सेंड किए थे, बाकी लोगों ने भी कॉन्टेक्ट की। फ़िलहाल मैंने वीडियो को हिडन कर दिया है। अगर किसी का वीज़ा लगता है तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो कोई फ्राडिया या कोई 2 नंबरी नहीं है। अगर वीज़ा नहीं लगता तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि वो अगर वो आपके मेडिकल के 10,000 रुपये भी आपसे उड़ा ले जाता है तो आपके तो 10,000 जाने हैं लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पैसे इस तरह बन जाने हैं। तो इस तरह के ये फ्राडिये जो हैं वो रब्ता करते रहते हैं, लेकिन मेरा काम है मेरे भाइयों आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। या मैं जॉब शेयर करता हूं तो आपका ये काम है कि आप पहले तहकीक कर लें, या आपको अगर लगे कि वाकई ये बंदा ठीक है, इसके साथ हम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं लगता तो प्लीज़ आप कोई और चांस ढूंढ लें, कोई और जगह ढूंढ लें। तो अगर कोई भी बंदा मुझसे बाय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ उनसे, कितनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ, जितनी हासिल कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। उसके बाद तो बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको जानें कि क्या आपके मुताबिक हैं, आप उनके साथ जॉब कर सकते हैं या नहीं। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।